अब आपको हम बताने जा रहे हैं एक बेहद अहम खबर। इस खबर को जरा आप गौर से सुनिए, समझिए, क्योंकि ये पूरे ट्रेड को इंपैक्ट कर सकता है और आपका सीधा वास्ता इस खबर से हो सकता है। खबर पहले समझिए, करेंसी डेरिवेटिव को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आई है। खबर यह है कि 5 अप्रैल से, मतलब इसी हफ्ते से 5 अप्रैल से बिना एक्सपोजर के करेंसी ट्रेडिंग नहीं होगी। ये बात साफ कर दी गई है, इसको लेकर नया रूल आ गया है। रिटेल प्रॉप ट्रेडर्स को साबित करना होगा कि करेंसी में एक्सपोजर है। 5 जनवरी को ये आरबीआई की तरफ से सर्कुलर आया था, 2008 में लॉन्च हुआ था। यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर और FY24 में एनएससी पर 1.46 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ था। कुल टर्नओवर में से 62% प्रॉप ट्रेडर्स और 19% रिटेल का योगदान है। तो ये साफ कर दिया गया है कि 5 अप्रैल, मतलब ये हम जब आपसे बात कर रहे हैं, आज हम आपसे बात कर रहे हैं 2 अप्रैल को, और इसी 5 अप्रैल से ये कह दिया गया है कि बिना एक्सपोजर के करेंसी की ट्रेडिंग नहीं होगी। ब्रजेश मिश्रा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बात करने के लिए। ब्रजेश जी, जरा इस खबर को और डिटेल में जरा समझाइए हमारे ऑडियंस को कि ये क्या खबर है, 5 अप्रैल से अगर बिना एक्सपोजर के ट्रेडिंग नहीं होगी तो क्या मतलब हुआ इसका? सीधे तौर पर कि अगर आपने कोई एक्सपोजर नहीं ले रखा है, यानी आपने कोई डॉलर या दूसरी किसी फॉरेन करेंसी में जो चार करेंसी जो ट्रेड होती है, उनमें से अगर किसी में आपने हेजिंग नहीं रखी है, तो फिर आप केवल ट्रेडिंग पर्पज के लिए, यानी केवल आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए जो एक्सचेंज पर करेंसी के सौदे होते हैं वो नहीं कर पाएंगे। दरअसल जो 5 जनवरी को सर्कुलर आया था, उसमें अदर के हिस्सा था उस सर्कुलर में, वहां पर लिखा हुआ था कि अंडरलाइंग एक्सपोजर वाले ही सौदे कर सकेंगे, लेकिन ये भी लिखा था कि ऑर्डर करने के वक्त अंडरलाइंग एक्सपोजर का प्रूफ जरूरी नहीं होगा, लेकिन अंडरलाइंग एक्सपोजर का प्रूफ रखना जरूरी होगा। यानी जब आप सौदे डाल रहे होंगे तब आपसे प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, लेकिन एक्सचेंज कभी भी आपसे इसका प्रूफ मांग सकते हैं कि आपने जो सौदा किया था, आपने जो ट्रेडिंग की, इससे जुड़ा हुआ आपके पास उस करेंसी का एक्सपोजर था। तो अब इसी पर सारा पेज फंस गया है, क्योंकि जो ब्रोकर हैं या जो ट्रेडर्स हैं या जो दूसरे और लोग केवल और केवल ट्रेडिंग के लिए का इस्तेमाल करते थे, वो अब संकट में हैं, क्योंकि अगर वो बिना एक्सपोजर के ट्रेडिंग करते हैं तो इस बात का डर है कि कहीं फेमा नियमों का इसे उल्लंघन नहीं मान लिया जाए और वो मुश्किल पड़ जाए। तो यही जो है सारी की वजह है। अभी तक जो था, जो पुराना सर्कुलर था, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन जो मास्टर सर्कुलर आया 5 जनवरी को, जो 5 अप्रैल यानी शुक्रवार से प्रभावी है, उसमें नोट में एक पार्ट जोड़ दिया गया है।